और ऐसा ना बेल वाली सब्जी जो है वो डिस्टेंस में लगानी पड़ती है, नहीं तो एक के ऊपर एक चले जाती है तो उसके बाद वो लगते नहीं है। मम्मी ने ना खीरा के बीज खो दिए हैं, ऐसा काम करती है मम्मी। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, और मैं हूं भरत गढ़िया देवभूमि उत्तराखंड के कनलगढ़ घाटी से, और स्वागत करता हूं आपका एक और नए ब्लॉग में। चलिए जी, एक और नए दिन की शुरुआत होगी है, और आज मौसम भी थोड़ा सा बेमान लग रहा है। अभी तक धूप नहीं आई है, हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं पूरे, और आजकल जंगलों में आग लगी हुई है तो पूरी धुंध छाई हुई है, उसी के कारण शायद धूप नहीं आई है, और ये बारिश वाले बादल तो नहीं लग रहे हैं। गुन्नू नहीं होती ना घर पे, तो घर पूरा सुना सुना लगता है। तो फिलहाल नाश्ता करके निकल पड़ा हूँ अपनी दुकान की तरफ, और आजकल सुबह के स्कूल लग गए हैं ना, तो ये जाने लग गए हैं स्कूल को, और हिमू भी आ गया है अभी, तो अब इसको भी लिफ्ट मिल जाएगा। एक हिमू यह है और एक आगे है, तो दोनों को ले चलते हैं स्कूल की तरफ। आजकल भी ना सुबह शाम की हल्की फुल्की ठंड अभी है, और दिन में बड़ी तकड़ी वाली गर्मी लग रही है। तो अभी मैं भी पहुंच गया हूं दुकान में, तो करते हैं काम की शुरुआत। और स्कूल के भी बच्चे आ गए हैं, हिमू एंड हिमू कंपनी, जो कि मेरे साथ ही आए बाइक में। और नीचे बूबू जी की सवारी हो गई? नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सूखा है मामला पूरा, और हल्के हल्के बारिश की बूंदें भी आने लगी हैं, सूर्यदेव भी दिखने लग गए हैं वहाँ पे, प्रकट होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी दुकान के काम भी हो गए हैं, और मौसम भी खूबसूरत हो रहा है, हल्की हल्की धूप लगी है, धूप में वो गर्मी नहीं है जो होनी चाहिए थी इन दिनों में। तो अब चलता हूँ घर की तरफ, क्योंकि जो कल पेड़ लेके आया था बुआई करनी है, तो इसलिए निकलते हैं अभी घर को। आज जल्दी जा रहा हूँ, और थोड़ा सा चिकन बनाएंगे घर पे, चिकन लेके जा रहा हूँ यहाँ से। मम्मी और मैं हैं, और श्रीमती जी और गुन्नू गए हैं, गुन्नू ननिहाल और श्रीमती जी मायके। तो पहुँच गया हूँ अभी खेतों में अपने, और यहाँ पे मम्मी पहले से लगी हुई है ये बोने में, बुआई में, और इधर तुरई बेल वाली सब्जी, लौकी तुरई कद्दू ककड़ी सब लगा रहे हैं, और इधर बैगन लगा दी है मम्मी ने, बैगन के पेड़, वो देखते हैं कैसे होते हैं इस बार। नड़िया हो कहाँ नड़िया? मम्मी ने ना खीरा के बीज खो दिए हैं, ऐसा काम करती है मम्मी। तो चलो अभी करते हैं फिर काम, ये थोड़ा सा जो भी इसको खोदते हैं, खेत खोदते हैं, फिर उसके बाद इसमें लगाएंगे, अच्छी वाली पैदावार करेंगे, देखते हैं इस बार। टाइम से लगा दिए हैं, तो यहाँ पे ना खीरा के लिए वो हो रहा है, खुदाई हो रही है, उसके लिए बाड़ा तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर गोबर रखा था, सब जाके यहीं पर खोद रहे हैं। ये फुल बॉस लाए बे, जा फुल बॉस। यहाँ सर्दियों में ना ये वाला होता है, इसको बढ़ियाओ बोलते हैं हमारे वहाँ, बढ़ियाओ से ना जो बचपन में हम जो स्लेट मिलते थे जिसमें चौक से लिखते थे, कमेट से और कलम से लिखते थे, उसको साफ करते थे इससे, ये साफ होता था, और अब इसका कोई काम ही नहीं, अब कलम दवात तो सब खत्म ही होगी है। जितनी मिट्टी भुरभुरी होगी ना उतना ही अच्छा उसमें होगा सब्जी, और सब्जी के लिए टाइट मिट्टी नहीं चाहिए, भुरभुरी वाली मिट्टी चाहिए। और यहाँ पर पूरा बिच्छू घास के कांटे घुस गया हाथ में। और ऐसा ना बेल वाली सब्जी जो है वो डिस्टेंस में लगानी पड़ती है, नहीं तो एक के ऊपर एक चले जाती है तो उसके बाद वो लगते नहीं है। जैसे बेल यहाँ पे खीरा लगा दिया, तो इसके 10 फीट पे उसके बाद लौकी कद्दू, उसके 10 फीट के अंतर अंतर में लगाना पड़ता है, ताकि एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। अगर कद्दू के उसमें ना लौकी की बेल चले जाएगी तो फिर कद्दू नहीं लगेगा, ना लौकी लगेगी ना कद्दू लगेगा, तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ता है खेती करने में। तो कर रहे हैं मेहनत, देखते हैं कितने रंग ले आती है, और ये तो आने वाले ब्लॉग में ही आपको पता चलेगा। और बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम करते हैं अपना काम ये। अभी जा रहा हूँ मैं गाय का गोबर लेने के लिए, भुरभुरी वाली खाद।
तो भुरभुरी वाली खाद डालेंगे तो सब्जी की ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी, तो इसलिए वो डालना ज़रूरी है खाद। और मिट्टी मिट्टी में उतनी पावर नहीं है जितना होना चाहिए यहाँ पे। और ये पूरी वाली टाइट वाली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी काली वाली। यहाँ पे है दोस्तों बारीक वाली खाद, अभी बनी भी नहीं है ये अच्छी तरह से, तो चल जाएगा इसका खेत में, बाकी का खेत में बन जाएगा ये। तो ये मम्मी निकाल ली है, और ये ब्लैक गोल्ड बोलते हैं इसको, वैसे भी किसान के लिए सबसे कारगर वाली खाद यही है। इसमें पानी डालना पड़ेगा ना, तब जाके ये जल्दी होता है, जल्दी ब्लैक गोल्ड बनेगा ये। और ये सब बकरी का है, और बकरी की खाद ना बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा। और बकरी का खाद प्योर खाद बनने के लिए उसको कम से कम 3 साल तो लगते ही हैं। तो फिर रख दिया फिर सर पे, अब चलते हैं खेत में। ले चलते हैं इसको खेतों में। अब इतना सारा खाद तो डाल दिया है इसमें, अब इसको मिलाना है मिट्टी के साथ, तभी जाके मिट्टी जो है और भी उपजाऊ बनेगी है। और जो ये गोले टाइप के आ रहे हैं ना ये वाले, तो इनको क्रैश होने में 3 साल लगते हैं बारीक होने में। अब दोस्तों बन के रेडी हो गया है फिर ये बेड भी, और इसमें अब खीरा लगाएंगे हम ये, और इसको हल्का सा भिगाएंगे, थोड़ा सा नमी देंगे, तब जाके जल्दी उगेगा ये। तो करते हैं काम ये, और बकरी भी यहीं पे आ गई है आज तो ये धोए। तो मैंने बेड बना के तैयार किया है, तो मम्मी लगा रही है अब खीरा यहाँ पे, इसको बराबर गैप में लगाना पड़ता है, मम्मी लगा रहे हैं। तो हो गया है इसमें, अब इसमें हल्के से पानी की छिड़काव कर देते हैं हम। और इसमें हर रोज मतलब 10-5 मिनट पानी देना पड़ेगा खेतों में, तब जाके ये होगा, पानी नहीं देंगे तो सूख जाएगा ये। और यहाँ पे जो बेड बनाया था इसमें मम्मी ने तुरई लगा दी है, ऐसे तराई करनी पड़ती है खेतों की, तब जाके कुछ होता है। जितनी मेहनत करेंगे ना उतना ही फल मीठा होगा, तो मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा, तो करना है। इस बार पूरी मेहनत करने, पूरा पसीना इस मिट्टी में मिला के ना, तब इससे पैदावार लेंगे हम। तो इसको सब साइड करना है बिच्छू घास को, फिर उसके बाद यहाँ पे कद्दू बोएंगे इस साइड पे, और ये हमारे बाथरूम के बिल्कुल नज़दीक है। अभी खेतों से आ गया हूँ, और अब यहाँ पे बच्चू और मन्नू को पानी पिला रहे हैं। मन्नू तो सीधे अंदर चले गए, धूप लग गई ना इनको इसलिए, और इसको नहलाते हैं थोड़ा। अच्छा, खेतों का काम करके गाय भैंसों को पानी भी पिला दिया है, और अब आ गया हूँ पहाड़ी किचन में। और पहाड़ी किचन में आज मम्मी ने चाय बना के चाय पी रहे हैं अब, और मेरा प्याज टमाटर कट रहा है। ये जो चिकन लाया था ना दुकान से, तो अब चिकन बनाते हैं, चिकन भात खाएंगे दिन में अभी। और दोनों माँ बेटे हैं, गुन्नू और गुन्नू की मम्मी गए हैं मायके, तो अब हम आराम से अपना खाते पीते हैं खाते हैं चिकन भात, मम्मी बोली तो किट्टी मम्मी कह रही किट्टी पार्टी। अभी चिकन भात परोस दिया है मम्मी ने, तो अब खाने का आनंद लेते हैं, और जो कि काफी अच्छा बना है। कैसा बना है मम्मी? बढ़िया बना है, नमक मिर्च बराबर। खाना आना खा के अब लग गया हूँ अपने दुकान की तरफ वापस, क्योंकि स्कूल की छुट्टी होने का टाइम हो गया है। तो चलते हैं, जो कल कॉपी किताब लेके आए हैं उनको बेचने भी हैं, दुकान बंद रहेगी तो कैसे बिकेंगे। और बकरियां तो ये ऊपर हैं कहीं पे सोई हैं, ये ऊपर दिखाई नहीं दे रही इस पेड़ की वजह से, एक यहाँ पे सोई है और एक यहीं कहीं ऊपर है। मैं भी पहुँच गया हूँ अभी दुकान में, और यहाँ पे स्कूल की छुट्टी भी हो गई है। आगे हैं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, और ये तो अंदर ही घुस गए हैं भाई साहब, इनका अंदर ही का काम रहता है। चलो अब ये जो ये सामान मांग रहे हैं तो इनको देते हैं। अब
आज मौसम भी दोस्तों थोड़ा सा बेमान हो गया है शाम के वक्त, और दिन में तो जैसे कि आपको पता ही है फर्स्ट क्लास वाली धूप लग रही है। तो इस मौसम का आनंद उठाने के लिए हम भी आगे हैं इस मोड़ पे वीडियो अपलोड करने के लिए, और ठंडी ठंडी हवा आती है ना इस वक्त तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है। तो चलते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं। तो अभी हो गया है दोस्तों इस मोड़ का काम, तो अभी चलते हैं फिर अपने दुकान की तरफ। रोज का एक ही डायलॉग रह जाता है, बोर हो जाते हैं वैसे भी, तो चलते हैं। कौन अंकल आ गए हैं बाइक लेके? आज रुको, बैठा नहीं हूँ मैं, आगे आगे बैठो। हेलो दोस्तों, देख लो हमें, बाइक वालों को देख लो। तो चलते हैं एक खूबसूरत पहाड़ी नजारों का आनंद लेते हुए अपनी दुकान की तरफ को, और काफी ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना, मजा आ रहा है। अभी बाहर भी पूरा अंधेरा हो गया है, मैंने भी अपनी दुकान बढ़ा दी है। घर पहुंच के दोस्तों अभी खाना ना खा लिया है, और कुछ इस तरीके से था फिर आज का दिन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।